दोस्तों आप सभी को पता है कि आज 17 नवंबर है और 17 नवंबर के दिन ही अखिलेश यादव की विजय यात्रा निकल चुकी है। आज पखमपुरा जो गाजीपुर से चल करके सीधे लखनऊ के लिए जाएगी, इस समय हम मौजूद है नेशनल हाईवे पर। जो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव का पूरा तरह से इसका पूरा पोस्टर लग चुका है, और यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जिस तरह से नेता लोग नारेबाजी करते हुए और अखिलेश यादव जी का सम्मान के लिए लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग यहाँ पे ये आज 17 नवंबर है जबकि 16 तारीख को ही लोग आने वाले थे। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, आप सभी के बीच में लेकर चलता हूँ, वहाँ पे अभी भी लोग हैं, सारे लोग माननीय अखिलेश यादव का जो है कि पूरी तरह से उनके स्वागत में जुटे हुए हैं। और आपको दिखाना चाहूँगा, मैं बार बार कोशिश करूँगा कि यहाँ से लोगों से मिलूँगा और लोगों से बात भी करेंगे कि आज माननीय अखिलेश यादव जी की इस बार अखिलेश आएंगे। आज आप लोग क्यों धंधा कर रहे हैं? हम लोग योगी सरकार को चेंज करना चाहते हैं और सपा लाना चाहते हैं यूपी में। आज आप सभी को पता है कि 17 नवंबर है, माननीय अखिलेश यादव जी आज इसी हाईवे से होते हुए गाजीपुर से लखनऊ की एक विजय यात्रा पूरी करेंगे। विजय यात्रा करेंगे, सभी लोग जो है कि आज यहाँ पे मौजूद है, लोगों से हम बात करते हैं। सर आपका स्वागत है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामजोतर राजभर है। अच्छा, मैं समाजवादी पार्टी का एक्स एमएलसी हूँ। अच्छा, एक्स एमएलसी है। ये हमसे जानना चाहते हैं कि आज जो है कि अखिलेश यादव जी की विजय यात्रा निकल चुकी है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी 16 नवंबर को होने वाली थी, आज एक दिन क्यों टल गया, आप तो इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि सरकार का प्रशासन जी, उनकी मंशा ठीक नहीं रही जी। जहाँ जहाँ माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, पूरा प्रदेश के लोग, अगड़ा पिछड़ा सारे लोग बड़े पैमाने पे उनका समर्थन कर रहे हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी का आपका 16 तारीख को कार्यक्रम था, उनको आजमगढ़ से उधर रोकना चाहिए था, लेकिन हमारे नेता का उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना कद बढ़ा दिया है, इतना सम्मान कर दिया है, और जनता कह रही है इस बार अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी की सरकार है। जिस पूर्वांचल पर आप चल रहे हैं, ये पूर्वांचल हमारी समाजवादी पार्टी की देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बनवाने का काम किया था, लेकिन काम करते हैं हम, उद्घाटन ये जालिम सरकार करने का काम कर रही है। और आज सारे लोग अखिलेश का काम, अखिलेश का नाम आज सारे लोगों को याद आ रहा है कि सबसे बेहतर अगर सरकार रही, ये नारा दिए थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने सबका साथ सबका विनाश कर दिया। अगर सबका साथ और सबका विकास अगर करती है तो केवल समाजवादी पार्टी, केवल समाजवादी पार्टी, केवल समाजवादी पार्टी, समाजवादी। दोस्तों लोगों के अंदर इतना जोश और जुनून देखने को मिल रहा है कि माननीय अखिलेश यादव के स्वागत में जिस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसे खास और स्पष्ट महसूस होता है कि इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से वादे करते हैं कि हम जो है कि लैपटॉप देंगे और सारी कुछ देने की कोशिश किए, लेकिन इस बार भी योगी जी भी लैपटॉप और मोबाइल देने की बात कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? जिस प्रदेश का राजा बादशाह अगर झूठा बोलने लगे तो प्रदेश नहीं, देश नहीं चलता है। जिस प्रदेश का मुखिया झूठ बोलने लगे तो प्रदेश नहीं चलता है। घर का अगर मुखिया झूठ बोलने लगे तो घर नहीं चलता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 के सरकार में जो उन्होंने वादा किया था सारा काम उन्होंने पूरा कर दिया था। और अखिलेश यादव जी के, माननीय जी के करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है। आज समाजवादी पार्टी के करनी और कथनी में नहीं अंतर होता है। समाजवादी पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है। अब पूरे प्रदेश और देश में समाजवादी पार्टी का मिशन, समाजवादी पार्टी का विजन, समाजवादी पार्टी ऐसे नेता किसी पार्टी में नहीं है। माननीय जी जितना कहते हैं उतना करते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर आपको वचन दे दिए हैं कि आपके यहाँ हम आएंगे तो ये झूठा नहीं निकलते। समाजवादी पार्टी की पूरी टीम, नौजवान, बुनकर, किसान, महिला, अभी उस महिला को झंडा नहीं मिला था, वो अपने घर का लाल दुपट्टा बांध करके अभी इस एससी बहुत बड़े झंडे में लग्गी में टांग करके, और उसने फहरा रही थी। हमने कहा
महिला जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और उस महिला का उत्साह हमने देखा, इससे प्रतीत होता है कि भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बन गई है। साइकिल यहाँ से दौड़ते हुए पहुँच गई है, सिर्फ टाइम का इंतजार है। और जहदी नोट पड़ेगा, अगड़ा पिछड़ा सारे लोग भारी बहुमत से दे करके माननीय जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और प्रदेश और ये गांव की जनता खुशहाल नजर आएगी। और माननीय जी आज फिर चल रहे हैं, आप देखिए कितना बड़ा जल सैलाब उमड़ा हुआ है। इस तरह अभी दो मीटिंगें थी, अभी इसके पहले 15 तारीख को मीटिंग थी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी का, अभी मीटिंग थी मोदी जी का। मोदी जी के मीटिंग में लोग जो है भाषण सुनने के लिए जब बोल रहे थे, लोग उठ के जा रहे थे। बुढ़िया माता से पूछा जा रहा था, ए बाबू, पूछा गया, ए माई बतावा कैसे आए ललू हो। माई ने कहा कि हमको तो सारी चीज़ बोल रहे थे, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। और आज की दशा ये है कि आज सारे लोग भारी निगाहों से समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आप पत्रकार बंधुओं का भी हम आभार प्रकट करते हैं।